उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दर्जनों मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद आजम खां जमानत लेने में जुटे हैं। दूसरी तरफ आजम खां सीबीआई के रडार पर हैं। दरअसल यूपी सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी सिलसिले में माना जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सीबीआई के शिकंजे में आएगा। जांच में सुन्नी वक्फ बोर्ड पर आजम खां को फायदा पहुंचाने के सबूत भी मिले हैं। सीबीआई को रामपुर में आजम खां के परिवार को कई वक्फ संपत्तियां लीज पर देने के सबूत मिले हैं। कई वक्फ संपत्तियां एक रुपए सालाना की दर पर जवाहर विश्वविद्यालय को देने के सबूत भी मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी की शिकायत के बाद सीबीआई ने शिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। केंद्रीय जांच एजेंसी के एंटी करप्शन ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। रिजवी पर आरोप है कि उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए वक्फ की संपत्तियों की खरीद बिक्री में घोटाला किया है। लखनऊ में दर्ज हुए मामले में वक्फ बोर्ड के 2 अन्य अफसरों समेत 5 को नामजद किया गया है। शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में गड़बड़ी के दोनों मामले सामने आने के बाद यूपी सरकार ने इन मामलों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद अब इन दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज की है। वहीं जांच में सबूत मिलने के बाद आजम भी सीबीआई के निशाने पर हैं। माना जा रहा है कि मामले को लेकर आजम खां से भी पूछताछ हो सकती है और पहले से ही जेल में बंद आजम खां अब लंबा नपने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।